यार थक्कू, बॉस भूत लोग विजिट करने क्या गए? पृथ्वी लोग तो एकदम सुना सुना लगने लग गया यार। सही कहा पक्कू, भूत बॉस की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा लाइफ की गलियों में सन्नाटा छा गया। अपनी लाइफ में तो सन्नाटा है, पर यहाँ देखो बहुत भीड़ है। शुगर रश, लगता है चीनी की दुकान है। अरे हाँ याद आया, ना पक्कू ना, चीनी नहीं, कैंडी स्टोर है ये, कैंडी स्टोर ब्रो। और ये स्टोर आज ही ओपन हुआ है। मजा आएगा बाबा। इसमें मजा आने वाली कौन सी बात है? मेरे पके पेड़ के पके पपीते पपीले स्टोर मालिक ने अनाउंस किया है, आज जो जितनी शुगर रश कैंडीज खाएगा उसे घर ले जाने के लिए उतनी कैंडीज फ्री मिलेगी। फ्री फ्री फ्री, मुफ मुफ मुफ, मैं तो चला। अरे रुक तो। बस कर थकू, अब चल यहाँ से, फुकट की कैंडी खाना ठीक बात नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ यहाँ खा रहा हूँ, घर थोड़ी ना ले जाऊंगा। अभी तो सिर्फ 25 खाई है, 25। अरे रुको ना यार। वेलकम वेलकम वेलकम, शुगर रश में आप सभी का वेलकम। चीनी घोल के ना वे डियर बच्चों, जिसे जितनी कैंडी खानी है उतनी खावे, पर रेपर जमा करके रखना, क्योंकि घर जाते समय जितने रेपर्स होंगे उतनी कैंडीज आपको घर ले जाने के लिए देंगे चीनी घोल के, अने वो भी फ्री फ्री फ्री। हर बच्चा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, सही है। अब तो चल ले यहाँ से थकेला। ये कहाँ गया? ये नहीं सुधरेगा। भूत बॉस अब आ गए। हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थकेला का इंतजार, वो शॉप के अंदर है। पक्कू यहाँ तो बहुत भीड़ है। बॉस ये स्टोर वाला फ्री में बहुत कैंडीज बांटता है, लगता है आज भी कुछ फ्री वाली डील है। चलो अंदर चले। अरे बॉस स्टोर का दरवाजा तो बंद है। क्या फर्क पड़ता है पक्कू, क्यों भूल जाते हो कि हम लोग भूत हैं? अरे तुम दोनों कहाँ घुसे जा रहे हो, हम लोग भी हैं लाइन में, स्टोर तो खुलने दो। आप हमें देख पा रहे हैं? और नहीं तो क्या, हमारी नजरों से बचकर निकल रहे थे। चलो जाओ पीछे लाइन में। पक्को इसका मतलब ये लोग दुखी हैं। हाँ बॉस, लेकिन एक साथ इतनी लेडीज दुखी, लगता है कोई मेजर इश्यू है, पूछते हैं इनसे। आंटी जी आप लोग अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, है ना? हाँ, आपको कैसे पता? सच में बहुत दुखी हैं। कैसे पता है वो छोड़िए, हमें अपना दोस्त समझिए। और दुखी क्यों है वो वजह मुझे बताइए। अब क्या कहूँ, अपने बच्चे को लेकर दुखी हूँ। जब से इसने शुगर रश की कैंडीज खाई हैं, हमेशा वही मांगता है, ना मिलने पर चढ़ जाता है। मेरे बच्चे का भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा सुनिए, यहाँ के स्टोर मैनेजर से कुछ कैंडीज ले आइए ना। अरे नहीं, पहले मेरे बच्चे के लिए प्लीज। मेरे बच्चे को ज्यादा जरूरत है। एक मिनट, शांत शांत हो जाइए ना। पूरा मामला जरा डिटेल में समझाइए। मैं समझाती हूँ, इस शुगर रश स्टोर की कैंडीज खा के हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं। घर में यहाँ कैंडीज खत्म क्या हुई, बच्चे दोबारा इसे खाने की जिद करने लगते हैं। और जिद करते करते घर सर पर उठा लेते हैं। मेरे बच्चे ने टीवी का रिमोट फेंक कर तोड़ दिया, फिर पानी की एक बॉटल तोड़ दी, और इन सब के बाद हर दिन वो अपने चॉकलेट की कीमत भी बढ़ा देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है, प्लीज आप हमें बहुत सारी कैंडी दिलवा दीजिए, ताकि हमारे बच्चों का दिमाग शांत रहे। पक्कू शुगर रश की कैंडी में जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं बॉस, महा गड़बड़ है।
तभी थकेला यहाँ खींचा चला रहा है। लेट्स चेक इट आउट। ए मिस्टर, तुम्हें अंदर कैसे आ गया? चीनी घोल के। आपकी कैंडीज इतनी टेस्टी है कि रहा नहीं गया, इसलिए मैं। देखो अभी बाहर वेट करो, चीनी घोल के स्टॉक कम है, रेट बढ़ गए है ना। अने जो जनता ज्यादा रेट देगी कैंडी उसी को मिलेगी चीनी घोल के। हाँ, समझे? देता हूँ। पैसे की फिक्र मत कीजिए, अपने पास बहुत है। अरे वाह, इतने सारे पैसे है, जो खाना है जितना खाना है खाई लियो। चीनी घोल के सबसे पहले थकेला को ढूंढो। अरे बॉस, आप लोग यहाँ कब आए? कब के आ गए? ये तुम्हें कैंडीज खाने से फुर्सत कहाँ मिल रही है? तक्कू, क्या चल रहा है ये सब? हाँ भूत बॉस, कैंडीज इतनी टेस्टी है कि रुका ही नहीं जा रहा है। टेस्टी नहीं है, इसमें एडिक्शन की दवा मिली हुई है, सीधे दिमाग पर असर करती है। इसीलिए तुम इन कैंडीज के बिना नहीं रह पा रहे हो। सच्ची? मुच्ची, और तुमसे भी बुरा हाल शहर के बच्चों का है। ऐसा क्या हो सकता है इन कैंडीज में बॉस? ये तो ओनर ही बताएगा, और अपने पाप का गड़ा खुद फोड़ेगा। डम डम डम, चलो करें पाप खत्म। मुझे लगा था सिर्फ बच्चे मेरे कैंडीज के दीवाने होंगे चीनी घोल के, पर आज तो एक बड़ा भी आया और खूब सारे पैसे दे के गया कैंडीज के। कल भी आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जिसके हैं उसी की जेब में जा रहे हैं। मेरे रुपए वापस करो, चीनी घोल के हैं। कर दूंगा कर दूंगा, पहले ये बताओ अपनी कैंडीज में क्या मिलाते हो? के मिलाता हूँ, वही मिलाता हूँ जो सभी मिलाते हैं, चीनी घोल के। हाँ हाँ, चीनी तो घोलते हो पर कुछ मिलाकर बच्चों की आदत बिगाड़ते हो। ये कैंडी के रूप में होश उड़ाने की दवाई है, सच बता दो वरना बुरा होगा, हमारा बिजनेस एक ही दिन में ठप होगा। मुझे धमकी देते हो? मुझे धमकी देते हो? अरे देख कह रहे हो, पकड़ लो इन्हें, पकड़ो, अरे पकड़ो ने बस, अभी पकड़ते हैं। अरे ये कह रहे हो, पटक दो इसे भी हैं। खाओ 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 खाओ, लो जी खाओ। अरे 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 अरे, अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें तो पता है ना ये कैंडीज तो। अरे रुको रुको, अरे ये कैंडीज खाना बंद करो, रुको। अरे चॉकलेट खाने से रोकते हो तुम? आज थोड़ी बड़ी कैंडी बनाई जाए। हाँ भाई हाँ, चीनी घोल के भाई साहब, अब बताओ क्या राज है तुम्हारी कैंडीज का, वरना तुम्हें दोनों कैंडीज खिला दूंगा। अरे नहीं 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 भाई साहब, मुझे मत खिलाना, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बताता हूँ, मुझे मत खिलाना चीनी घोल के, बताता हूँ। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानता चीनी घोल के, मेरा शुगर रश बिजनेस कोई नहीं रोक सकता है। अटैक करो, छोड़ना नहीं। निकल गया चीनी घोल के। तो इन्हें पैक कर देते हैं चीनी घोल के। ए, तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा चीनी घोल के। हाँ, फिलहाल तुम्हें अपनी शुगर रश कैंडीज को खाना होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ये जहर नहीं खा सकता। यही जहर दूसरों को खिलाते हो, खुद खाने में डर रहे हो। बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है तुमने, अब थोड़ा अपनी हेल्थ भी बना लो। ये
अरे बचाओ बचाओ। एंटीडोट चाहिए मुझे, एंटीडोट चाहिए मुझे। कहाँ रखी है मुझे बताओ। मैं लाता हूँ मुझे बताओ। कमरे में है। अब तुम्हें एंटीडोट कैंडी तभी मिलेगी जब सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। है ये कौन? ये तो स्टोर वाला है। शुगर रश का मालिक, इसे क्या हुआ? अरे भाई स्टोर क्यों नहीं खोल रहे? देखिए ये स्टोर कभी नहीं खुलेगा। इस स्टोर की कैंडीज की वजह से ही आपके बच्चों के दिमाग पर असर हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने कैंडीज में ऐसा केमिकल मिलाता हूँ जिसे बच्चों को एडिक्शन हो जाता है। अनि जब कैंडीज ना मिले ना तो उसका सीधा असर दिमाग में हो जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। अब हमारे बच्चे कैसे ठीक होंगे? उनका एडिक्शन कैसे जाएगा? ये शुगर रश कैंडीज की एंटीडोट कैंडीज है। आपने बच्चों को खिला देना, वो सब ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। लेकिन इसे पुलिस के हवाले कर दो। वो तो बस आती ही होगी। थोड़े से प्रॉफिट के लालच में बच्चों की जिंदगी से खेलना नॉट गुड। इंसान भी कभी कभी लालच में क्या क्या कर देता है। वेरी बैड, वेरी बैड। जो भी हो, जब अंत भला तो सब भला।